नाजरीन प्रोग्राम ख्याल और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। क्या आपने कभी सोचा है कि शागिर्दों ने यसु अल मसीह से ये सवाल क्यों नहीं किए कि रबी पानी को मैं बनाना सिखा दे। बहुत से गरीब लोगों की शादियों में मैं कम पड़ जाती है और उनकी इज्जत खतरे में पड़ जाती है, इसलिए पानी को मैं बनाना सिखा दे। रबी बेवा औरतों के बच्चे मर जाते हैं और उनका कोई सहारा नहीं रहता, मुर्दों को जिंदा करना तो सिखा दे। रबी रोमी हुकूमत ने बड़े टैक्स लगा रखे हैं, हमारे यहूदी भाई गुर्बत से मर रहे हैं, बास के पास तो खाने को कुछ नहीं होता, जरा चंद रोटियों को ज्यादा रोटियां और मछलियां बनाना तो सिखा दे। ये बहुत अहम और प्रैक्टिकल सवाल थे, लेकिन यसु मसीह के शागिर्दों ने ये सवाल नहीं किए, बल्कि लूका 11 बाब में लिखा है कि यसु मसीह दुआ कर रहे थे और उनके शागिर्द उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि उस्ताद रबी हमें दुआ करना सिखा। यहां पर एक चीज वाजे हो जाती है कि दुआ की अहमियत क्या है। दोस्तों यसु मसीह इसके तीन जवाब देते हैं। पहले तो उन्हें दुआ करने का तरीका सिखाते हैं। शागिर्दों ने कहा था कि हमें दुआ करना सिखा, यह नहीं कहा था कि हमें कोई दुआ सिखा दे, दुआ करना सिखा। और यसु मसीह ने तरीका बताया था, उसको आप पढ़ लें ऐ हमारे बाप की दुआ को, तो आपको पता चल जाता है कि वो कौन सा तरीका है। लेकिन मैं उसमें से सिर्फ एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि यसु मसीह ने जब दुआ सिखाई तो कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। दुनिया के तमाम मजाहब में उसे गॉड कह के, भगवान कह के बुलाया जाता है। आप क्रिश्चियन लोगों को ये बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ी सआदत मिली है कि आप खुदा को बाप कह के, आसमानी बाप कह के पुकार सकते हैं। यसु मसीह इस कायनात के तीन बहुत ही खूबसूरत और अहम फिक्रे बोलते हैं। वैसे तो उनकी हर कहीं बात ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज चूंकि दुआ का जिक्र हो रहा है तो दुआ के हवाले से उनके तीन फिक्रे बहुत ही खूबसूरत हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन इस बात पर पहुंचने से पहले यसु मसीह एक कहानी सुनाते हैं। वो अपने शागिर्दों को कहते हैं कि फर्ज करो तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो अपने दोस्त के पास आधी रात को जाता है और कहता है कि ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक और दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहता है कि मुझे तंग ना कर, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बिस्तर में हूं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। जो अंदर दोस्त लेटा है उसका ये जवाब है और बाहर दोस्त जो है उसको 3 रोटियां चाहिए हैं क्योंकि एक और दोस्त मेहमान के तौर पे आ गए। इसके बाद यसु मसीह ने एक बहुत ही आला जवाब दिया है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। यसु मसीह कहते हैं कि वो उसको उठकर रोटियां इसलिए नहीं देता कि वो उसका दोस्त है। बाइबल में फिक्रा लिखा है उसकी बेहयाई के सबब से उसको जितनी दरकार है उसे देगा। इंग्लिश में वर्ड इंपॉर्चुनिटी यूज हुआ है। इंपॉर्चुनिटी इसका मतलब होता है कि जो शख्स मांगता ही जाता है, इसरार किए जाता है, तंग किए जाता है। उर्दू बाइबल में बेहयाई लफ्ज यूज होता है कि उसको कोई शर्म नहीं, वो बार बार मांगे जाता है और इसी वजह से उसका दोस्त उठकर उसे दे देता है। और यसु मसीह ये तमसील कहने के बाद कहते हैं कि पस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दोस्तों
बाज़ुकात एक बार कहने से ही दुआ सुन ली जाती है, लेकिन बाज़ुकात आपको बार बार दरवाजा खटखटाना पड़ता है, शेमलेस होना पड़ता है, बेहया होना पड़ता है, तंग करना पड़ता है खुदा को, बार बार इसरार करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, यसुमसी ने ये तीन फिक्रे बोलने से पहले कहा था कि वो उसकी बेहयाई के सबब से, उसके बार बार इसरार करने की वजह से उसको जितनी दरकार है उन्हें देगा। दोस्तों, मैं यहां पे एक यहूदी आलम से इस हवाले से एक दिन बात कर रहा था, वो क्रिश्चियन हो गए हैं अब, तो वो कह रहे थे कि यसुमसी के ये जो अल्फाज हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये सिर्फ दुआ के हवाले से ही नहीं है, बल्कि दुनिया में कोई भी काम जो है। वो नौजवानों को मेरे साथ एक दफा जॉब सर्च के हवाले से, जॉब ढूंढने के हवाले से बता रहे थे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो कहते हैं कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, किसी को कहोगे नहीं, तब तक नहीं मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो कहते थे कि ये तीन फिक्रे यसुमसी के जो हैं वो दुआ के लिए भी हैं और आम जिंदगी के लिए भी हैं। आपको पूछना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो वो कहते थे कि यसुमसी के ये तीन फिक्रे जो हैं ये बहुत ही अहम है। दोस्तों, यसुमसी के शागिर्दों ने सारे मौजे और सारी चीजें छोड़कर क्यों कहा कि हमें दुआ करना सिखा? दोस्तों, जब आप किसी को देखते हैं कि कोई किसी काम में बहुत ही माहिर होता है, या कोई किसी काम को बहुत खूबसूरती से सर अंजाम दे रहा होता है, तो आप उसके पास जाके उसी काम की रिक्वेस्ट सबसे पहले करते हैं। मेरा ये हरगिज़ कहने का मतलब नहीं कि यसुमसी ने जो मौजे किए उनमें कोई कमी रह गई, नहीं, लेकिन यसुमसी अक्सर दुआ करते रहते थे। कई दफा तो वो पूरी पूरी रात दुआ में गुजार देते थे और शागिर्द देखते थे कि यसुमसी दुआ करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। अंदाजा करें कि यसू अल मसीह जब बाप से कोई दुआ कर रहे होंगे तो वो लफ्ज कितने खूबसूरत होंगे, वो बातें क्या होंगी। दोस्तों, मेरा नहीं ख्याल कि उन बातों को लिखना जो है वो आसान है या मुमकिन है, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होगा कि इस दुनिया का नजात दहिंदा दुआ कर रहा है। शायद इसी चीज ने, इस खूबसूरत मंजर ने शागिर्दों को मजबूर कर दिया कि वो यसुमसी के पास जाएं और कहें कि ये हमें भी सिखा। दोस्तों, इस कायनात का खालक, इसका नजात दहिंदा जो है, अगर वो इतनी दुआ करता है तो मुझे और आपको कितनी दुआ करने की जरूरत है। यसुमसी ने मेथड बताया है कि जब तुम दुआ करो तो कहो ए हमारे बाप। तो यानी जब आपने दुआ करनी है तो सबसे पहले आसमानी बाप को मुखातब करना है। आसमानी बाप, तो जो आसमान पर है, तेरे नाम की तमजीद हो, सबसे पहले उसके नाम की तारीफ की जाती है, उसे पुकारा जाता है, और फिर आगे दूसरे स्टेप्स जो हैं वो आप खुद देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। लुका 11 बाब में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। हमारे रोज की रोटी पे मैं बात करना चाहता हूं। इस रोटी का मतलब जो है वो सिर्फ खाने वाली रोटी नहीं है, हमें हर रोज की जितनी भी हमारी जरूरतें हैं, जितनी विजडम हमें चाहिए होती है, जो फैसले हमें करने होते हैं, इस तरह की सारी चीजों के लिए जो हमें विजडम चाहिए होती है, वो हमारी रोज की रोटी, हमारे रोज की जरूरियात होती है। दोस्तों, यसुमसी अक्सरों का दुआ करते थे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले दुआ जरूर करें। लोग 3-3 घंटे की मूवीज देखते हैं, हर रोज 2-2, 3-3 ड्रामे देखते हैं, और 15 मिनट बाइबल पढ़नी पड़ जाए तो बहाने बनाते हैं,
कि ये तो जी रयाकारों का, फकीरों फरीसियों टाइप का काम है, ये कोई बात है? दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दुआ करें। बाज़ुकात आपको थोड़ी सी दुआ की जरूरत होती है, लेकिन बाज़ कामों के लिए आपको लंबी दुआ करनी पड़ती है, अर्नेस्ट प्रेयर करनी पड़ती है। दोस्तों, आज का ख्याल इतना ही था। उम्मीद है कि आपका दुआ करने का तरीका अब बदलेगा। और एक बहुत ही अहम बात, घुटने होकर दुआ करें, हाथ उठा के दुआ करें। कनाडा में मेरे एक दोस्त हैं, उनका ईमान है और वो हाथ उठा के दुआ करते हैं। और अक्सर वो मुझसे कहते हैं कि जब मूसा अपने हाथ उठाए रखता था तो इसराइली फौज जंग जीतती रहती थी। पुराने अहदनामे में ये वाक्य लिखा हुआ है। तो दोस्तों, घुटने होकर दुआ करें, हाथ उठा के दुआ करें और पूरे सिंसियर दिल के साथ दुआ करें। और जब आप सुबह को अपनी दुआ कर लेते हैं तो पूरा दिन उस दुआ को अपने दिल में, अपने दिमाग में रखें। खुदा आपकी दुआओं को जरूर सुनेगा। जी, प्रोग्राम के आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है कुछ दोस्तों का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बहुत ही मोहतरम और मुअज्जज़ जनाब जेम्स लाल साहिब का। फिर हकूना मटाटा, यही नाम है जो उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद सैम टीवी, मोहतरम परवेज फ्रांसिस साहिब, अनीता पॉल अक्सर हमारे प्रोग्राम पे कमेंट करती हैं, उर्दू पंजाबी की खूबसूरत शायरा कनीज मंजूर, इनकी एक किताब भी आने वाली है, निसार अंजम साहिब, नासर अंजम साहिब, जरीना चंगेज, और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी फैन सुमेरा गिल। और साथ ही साथ जो है वो मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूं जनाब नेल्सन जावेद साहब को। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, अब इजाजत दीजिए दुआओं और वफाओं के साथ। आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।